नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से जिला प्रशासन एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर की ओर से जिला पलवल में दिव्यांग जनों के सहायतार्थ मापतोल और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलावलपुर में दिव्यांगों के लिए मापतोल एवं पंजीकरण शिविर लगाया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को पलवल केंद्र संचालक पवन कुमार ने बताया कि पलवल जिले में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, कृत्रिम अंग, बैसाखी एवं सहायक उपकरण, चलने हेतु हाथ की छड़ी प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आने वाले दिव्यांगों की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत उनको सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को सरल और सुगम बनाता है, ताकि दिव्यांग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने बताया कि मापतोल और पंजीकरण शिविर 26 अगस्त को कुटावर्ड के सरकारी स्कूल में, 28 अगस्त को बडोली के BDPO कार्यालय में, 29 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागपुर में, 31 अगस्त को हुड्डा चौक पर धर्मा ढाबा के नजदीक स्थित आसरा सेंटर में लगाया जाएगा। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। इसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, स्मार्टफोन, ये सब चीज़ दिए जाएंगे। इनके लिए क्राइटेरिया होता है कि 40% से ऊपर जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी। जांच हाथ की साइकिल वाली और बैसाखी के लिए ऑनलाइन असेसमेंट होता है, और मोटर ट्राईसाइकिल, स्मार्टफोन के लिए हमें फिजिकल असेसमेंट के लिए 31 तारीख को पलवल बुलाया जाएगा इन लोगों को। अभी तक हमारे पास 20 रजिस्ट्रेशन हो चुका है दिव्यांगों का, और बाकी और आने की उम्मीद है हमारे पास। मेरा घर शहीद है जी, मैं गांव घाघौर से आया हूं, जो कि हमारे गांव में अलालपुर में कैंप लगाया जा रहा है विकलांग हैंडीकैपों के लिए। और जैसा जी मेरे पैर खराब है, इसके लिए मैं ट्रक साइकिल वगैरह के लिए आया हुआ हूँ। हम तो ऐसे सोच रहे जी इसे कैंप लगाया, ऐसे भी और आगे लगना चाहिए, जो हमारे भाई विकलांग उनको ज़्यादा सहायता मिलनी चाहिए। इस बारे में चेकअप किया जा रहा है जी। हाँ, जैसे कोई भाई पैर से उसको पैर दिया जा रहा है, कोई हाथ से हाथ दिया जा रहा है, कोई मशीन कान वगैरह की ये दी जा रही है। मैं अलावलपुर से आया हूँ, हमारे यहाँ शिविर लग रहा है कन्या पाठशाला में, इसके लिए मैं अपना उपकरण कुछ लेना चाहता हूँ। इसके लिए पैर वगैरह कुछ बैसाखी साइकिल और मिल जाए तो बढ़िया ही, इस तरह अगले साल फिर और कैंप लगने चाहिए और भी बढ़िया, ताकि औरों को फायदा भी हो जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।